हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज मी शेली एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब भी मैं दर्द के साथ ट्रैवल करती हूँ तो मेरे डायपर बैग में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एसेंशियल्स होती हैं, जो मैं हमेशा ट्रैवलिंग के टाइम पे अपने डायपर बैग में रखती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं जो भी चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैंने बेसिकली पूरे वीडियो को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड किया है, क्योंकि बच्चों की एज के साथ साथ जो आइटम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। लाइक पहले आप फॉर्मुला मिल्क कैरी करते थे, बाद में अब उनके लिए आप स्नैक्स कैरी करते हैं, बट बेसिकली वो सेक्शन सेम रहते हैं। आपको जब तक भी आप बच्चे का डायपर बैग कैरी कर रहे हैं उन सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ सामान तो कैरी करना ही होता है। तो इसीलिए मैंने अपने सारे सामान को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है ताकि मैं जब भी अपना डायपर बैग पैक करूं मैं कुछ भी आइटम मिस ना करूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायपर बैग से। मेरे पास दो डायपर बैग हैं, दिस इज द स्मॉल वन एंड दिस इज द बिगर वन। तो लेट मी शो यू द बैग फर्स्ट। सो इसमें एक ये चेन है साइड में, एक ये मेन कंपार्टमेंट है, इसके अलावा इसमें साइड में एक स्लिप पॉकेट है और एक ये बॉटल का सेक्शन है जहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं और दूध जो है वो काफी देर तक गर्म रहता है। इसकी आई थिंक दिस वाज बॉट फ्रॉम पेटल्स फ्रॉम अ स्टोर एंड दिस आई बॉट फ्रॉम द अमेज़न वेरी इनिशियली। सो ये काफी बड़ा बैग है, लेट मी शो यू। इसमें दो कंपार्टमेंट है, वन और टू। इसके अलावा इसमें फ्रंट में एक ये पॉकेट है, एक ये चेन है, साइड में दो स्लिप पॉकेट्स हैं और इसमें काफी अच्छा खासा क्वांटिटी में सामान आ जाता है। तो ये दोनों ही साइड बैग हैं, बिकॉज मुझे साइड बैग कैरी करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो इसलिए मैंने दोनों ही साइड बैग्स लिए हुए हैं। ये छोटा वाला बैग मैं प्रेफर करती हूँ जब हमें बेसिकली 2-3 घंटे के लिए कहीं बाहर जाना होता है। अगर हमें कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना है या फुल डे के लिए बाहर जाना है तो मैं बड़ा वाला बैग का प्रेफर करती हूँ, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा सामान आ जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं डायपर एसेंशियल्स की तरफ। तो डायपर एसेंशियल में सबसे पहले तो ये डायपर, तो मैं इसमें से डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि हम कितने देर के लिए बाहर हैं, 2-3 डायपर मिनिमम में रखती ही हूँ हमेशा अपने डायपर बैग में। इसके अलावा ये वेट वाइप्स हैं, दिस आर फ्रॉम मदर्स पर्श, दीज आर वेरी गुड वाइप्स। तो एक मैं छोटा वाइप का पैकेट कैरी करती हूँ, एक ये डायपर क्रीम में कैरी करती हूँ। इसके अलावा एक ये चेंजिंग शीट है कि मुझे कहीं पे भी अगर दर्द को लेटा के चेंज करना है तो एक ये चेंजिंग शीट है। इसके अलावा अगर मुझे कभी भी डायपर डिस्पोज करना है तो उसके लिए 2-3 कैरी बैग मेरे डायपर बैग में हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम चेंजिंग से ही रिलेटेड क्लोथिंग की तरफ। तो क्लोथिंग में हमेशा मतलब मिनिमम एक पेयर ऑफ क्लोथ्स मैं हमेशा ही कैरी करती हूँ, और अगर हमें काफी देर के लिए बाहर रहना है तो जनरली 2 पेयर। इसके अलावा अभी जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो सॉक्स की भी जरूरत पड़ रही है तो मैं सॉक्स कैरी करती हूँ। शूज दर्ज पहन के ही जाता है तो शूज मैं कैरी नहीं करती हूँ, सिर्फ सॉक्स में एक्स्ट्रा पेयर कैरी करती हूँ कि इनकेस अगर वो शूज उतार के कहीं पे घूम रहा है और उसके सॉक्स गंदे हो गए हैं तो। इसके अलावा एक छोटा सा ब्लैंकेट है जो अगर हम कभी भी इवनिंग में कहीं भी बाहर जाते हैं तो इसको मैं हमेशा कैरी करती हूँ, ताकि अगर हम कहीं पे भी घूम रहे हैं रोड पे या कहीं पे भी और मुझे जरूरत लगे या दर्द सो गया है तो मैं इस ब्लैंकेट को यूज कर लूँ। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही छोटा सा ब्लैंकेट है तो इजिली बैग में आ भी जाता है। इसके अलावा मैं कैरी करती हूँ दर्श के 2-3 हैंकी, एक दो बिब्स और एक ये छोटी सी टावल है जिसको पहले मैं बर्क क्लॉथ की तरह यूज करती थी बट अभी मैं इसको हैंड टावल की तरह यूज करती हूँ, बहुत छोटी सी है तो ये भी इसको कैरी करना बैग में डायपर बैग में काफी इजी रहता है। देन नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है ईटेबल्स का। ईटेबल्स में जब दर्श फॉर्मूला मिल पे था तो मैं उसका फॉर्मूला इस टाइप के कंटेनर्स में कैरी करती थी। ये लाइक 4 कंटेनर है, स्टैकेबल कंटेनर, और मैं इसमें लाइक जितना क्वांटिटी दर्श एक बार में लेता था उतना मैं मिल्क कैरी कर लेती थी, और इसको लाइक निकालना इससे काफी इजी रहता है इफ यू कैन सी। तो आप डायरेक्टली बॉटल में आपको क्वांटिटी मेजर नहीं करनी पड़ेगी, आप घर से ही मेजर करके लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अब मैं इसमें दर्श के स्नैक्स कैरी कर लेती हूँ, जैसे भी आप देख रहे हैं इसमें 2 लड्डू रखे हुए हैं। तो इसके अलावा बिकॉज दर्श बिस्किट खाना बहुत पसंद है उसको, तो मैं एक बिस्किट का पैकेट, इसके अलावा जब हम निकलेंगे तो मैं एक बनाना उसमें रखूंगी और एक ये पानी की बॉटल। इसमें पानी लाइक जिस भी टेम्परेचर पे हम रखते हैं लाइक 4-5 घंटे तक वैसे ही रहता है। जब मैं दर्श के लिए फॉर्मूला मिल्क कैरी करती थी तो मैं मिल्टन के एक बड़े फ्लास्क में पानी लेकर जाती थी, बिकॉज मिल्टन में लाइक आपका 8-12 घंटे तक पानी का टेम्परेचर सेम मेंटेन रहता है। इसके अलावा
नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मेडिसिन का. तो मेडिसिन में जो मैं कैरी करती हूँ मस्ट मेरा, एक तो ये है कॉलिकेट. कॉलिकेट मैं चाहे एक घंटे के लिए बाहर जाऊं चाहे 10 घंटे के लिए, कॉलिकेट हमेशा डायपर बैग में होता ही होता है. नेक्स्ट एक मैं ये कैरी करती हूँ मॉस्किटो रोल ऑन. ये फैब्रिक रोल ऑन है तो मैं दर्ज के कपड़ों पे इसको लगा देती हूँ जिससे कि इसको मच्छर ना काटे. एक नेक्स्ट आता है सनस्क्रीन. सनस्क्रीन जरूर मैं हमेशा लेकर चलती हूँ दर्ज के साथ. एक ये है सैनिटाइजर स्प्रे. लाइक कोविड टाइम चल रहा है तो इसलिए मैं स्प्रे कैरी कर रही हूँ, अदरवाइज मैं एक छोटा सा एक सैनिटाइजर की बॉटल कैरी करती थी. कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम लंबे टाइम के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो मैं लेके जाती हूँ. एक ये फेस क्रीम है, दिस इज फ्रॉम मामा अर्थ. एक ये नेजल स्प्रे है अगर इसकी कभी भी जरूरत पड़ती है, कंजेशन होता है दर्द को कुछ भी तो ये. एंड एक ये फीवर की मेडिसिन है तो अगर हम लंबे टाइम के लिए बाहर जाते हैं तो ये फीवर की मेडिसिन भी हमेशा मेरे डायपर बैग में होती है. इसके बाद आता है लास्ट सेक्शन जिसके बिना कि मेरा डायपर बैग कंप्लीट नहीं होता है, विच इज टॉयज. तो ये कुछ ऐसे टॉयज हैं जो दर्श को पसंद आते हैं जिसमें कि बलून, मैं हमेशा एक्स्ट्रा बलून मेरे डायपर बैग में पड़े ही होते हैं. इसके अलावा दर्श को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है तो एक छोटी सी बुक मैं कैरी कर रही हूँ. और ये कुछ दर्श के एक दो फेवरेट टॉयज हैं जो मैं कैरी कर रही हूँ. जब दर्श को टीथिंग होती थी तो उस टाइम पे मैं उसके टीथिंग के टॉय कैरी करती थी. लाइक उसके टाइम टू टाइम जैसे टॉयज जो भी फेवरेट होता है उस टाइम का तो वो टॉय मैं कैरी करती हूँ. आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. एंड अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है अपने डायपर बैग की पैकिंग को करने में तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा. और इसके अलावा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. और इसके अलावा आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं. वहां पे मैं दर्श के बहुत सारे रेगुलर अपडेट्स डालती रहती हूँ जिनको देख के आई एम श्योर आपको काफी मजा आएगा. तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.